हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आईटी स्टडी से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू और इम्पोर्टेंट वीडियो, जो है आईटी स्टडी चैनल के अंदर। आपको पता है कि भाई इस चैनल के अंदर आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है और क्या है, ऑल बेल पर क्लिक करना है और वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता है। अब आपको ये खासियत बता रही हूँ कि आईटी स्टडी चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब सिर्फ एक बार ही करना है और उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, बॉक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वायरमैन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और डीजल की भी मिलती है, तो इसमें बहुत कंप्यूटर का भी है। तो बहुत सारी, एक बार सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारी वीडियो और अपलोड नोटिफिकेशन भी आपके पास बहुत सारे मिलेंगे। तो वीडियो जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक, ट्विटर की लिंक, सभी प्रकार की लिंक दी हुई है। आप सभी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। इसके अंदर अपना कोई भी कहीं पे भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। और कोई भी प्रकार की अपडेट होती है तो सबसे पहले इस चैनल पर बताई जाती है कि भाई क्या फॉर्म भरिज रहे हैं या रिजल्ट आ गया है या क्या, जो भी मतलब अपडेट होती है आईटीआई से संबंधित, वो पूरी अपडेट इस चैनल में आपको दी जाती है। तो क्यों देरी कर रहे हैं, सबसे पहले अपन सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दो, वीडियो अपलोड होती सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। पूरी वीडियो को तसल्ली से एक बार देखो, दो बार देखो, दिन में जितनी इच्छा हो जितनी बार देखो, और लाइक करके कमेंट और शेयर जरूर करो ताकि सभी अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। और कई क्लासेस तो आपके पास लाइव भी आने वाली है, लाइव क्लासेस में आपको इतना अच्छा मज़ा आएगा कि बस पूछो ही मत। तो आप इंतज़ार करो लाइव क्लास का। उससे पहले आज अपन कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जो है इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है और फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट मॉड्यूल है, कर लिया था। सेकंड मॉड्यूल का सेकंड पार्ट आज अपन करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल फर्स्ट किया था, सेकंड वीडियो में मॉड्यूल सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था, आज अपन मॉड्यूल सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जो आपके फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर में। जिन स्टूडेंट के सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई हुई है वो भी इन वीडियो को आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, इच्छा हो जितनी बार देखिए, लाइक करके कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो आप अगर आईटीआई कर चुके हैं तो भी इसको ज्वाइन कीजिए ताकि कॉम्पिटिशन की तैयारी हो। चाहे आप कोई भी ट्रेड से हो, आईटीआई पास कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन सभी कॉम्पिटिशन में आता ही आता है। तो आप हमारी स्टार्टिंग की वीडियोज यहाँ पे देखिए तो आपको इंट्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिशियन इंट्रोडक्शन का है, फिर औजारों का है, तो वो वीडियोज आप सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी इस मॉड्यूल के अंदर सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, तो आज तो अपन थ्योरेटिकल पूरा ही कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल थर्ड आएगा उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो अपन न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन एक एक हाथ से सॉल्व करेंगे तो अपन को बहुत ही मज़ा आएगा। 19 क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज अपन 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क, कि भाई शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। देखो फर्स्ट मॉड्यूल किया था उसमें सुरक्षा सावधानियां, फायर एक्सटिंग्विशर और इनके बारे में था, मॉड्यूल सेकंड में अपने क्या आता है, औजारों के बारे में आता है। तो अपन कोई भी चैनल पे वीडियो देखते हैं या कॉलेज में भी अपन देखते हैं तो क्या है, ये स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर तो सर या मैडम जो भी होते हैं ना फटाफट कंप्लीट करा देते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ाई जब स्टार्ट कराते हैं डीसी थ्योरी से, ओम का नियम आ गया, प्रतिरोध का नियम आया, किरचॉफ का नियम आया, ओम के नियम के न्यूमेरिकल्स आए, तो उन पे सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। परंतु आप देखो कि जब अपन को
एबीसीडी नहीं आएगी तो अपन अंग्रेजी के वर्ड सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो ऐसा ही इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में है। अपन को स्टार्टिंग ही नहीं पता है कि इलेक्ट्रिशियन में हमने एडमिशन लिया। कई कई बच्चों को तो आईटीआई में एडमिशन तो ले लेते हैं, पर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफ्यूजन रहता है कि बेटा किस में एडमिशन हुआ। तो इलेक्ट्रिशियन का बोलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहता है इलेक्ट्रिशियन में हुआ। तो ऐसा अपन को खुद को पहले ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए अपन के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देखोगे तो आईटीआई इंट्रोडक्शन से आपके पास वीडियोस, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, सेकेंड चैप्टर की वीडियो भी आपको मिलेगी। तो अभी अपन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ये सारे थ्योरेटिकल्स है और सारे ही औजारों के हैं। तो अपन फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं, जितना जल्दी हो फटाफट मॉड्यूल सेकंड अपन पूरा फिनिश करते हैं। तो शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है, शीट को क्षति से बचाना। हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है कि शीट में जो हो जाता है अपने कोई भी लॉसेज नहीं हो, डैमेज नहीं हो, उससे इसको बचाता है। हेम फोल्डिंग का ये कार्य होता है। तो इसका उत्तर हो गया डी। क्या हो गया, बीसवे का क्वेश्चन का उत्तर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 21वां क्वेश्चन, विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट स्ट्रेंथ, की लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो इसमें कौन सा दोष होता है जो इसकी शक्ति को कम करता है? तो अपन देखते हैं कि चार ऑप्शन क्या दिए हैं अपन को। पहला है ट्विस्टिंग यानी कि घुमाना, दूसरा है कपिंग, तीसरा है क्रेकिंग यानी चटकना, और चौथा है इरेगुलरिटी। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इरेगुलरिटी, अनियमितता, ठीक है ना। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन आगे आपके 22वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, कि भाई इस हथौड़े का क्या नाम है। तो इस हथौड़े का क्या नाम है, इसका क्या है कि भाई डायग्राम दे दिया है। तो कौन सा हैमर है आप देखिए, क्ला हैमर इसको कहते हैं। कौन सा हैमर कहते हैं, क्ला कहते हैं, या बॉल पेन हैमर कहते हैं, या क्रॉस पेन हैमर कहते हैं, या स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। तो 22वें का उत्तर होगा क्ला हैमर, ठीक है ना। तो इसका ए इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये 23वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, वापस यही आ गया गलत सीजनिंग का। 23वां क्वेश्चन है आपके पास में कि भाई Which defect in timber is caused due to improved seasoning? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो 23वें का उत्तर होगा डी उत्तर, कपिंग दोष होगा। कौन सा होगा, कपिंग दोष होगा। तो 23वें का आंसर डी हो गया। अब 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां क्वेश्चन में अपने को डायग्राम दे दिया है और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड्स मार्क एज एक्स। अब ये जो इसने थ्रेड बना रखी है यूं, और वापस इधर से भी यूं आ गई इधर से, तो ये कह रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, एक्स चिन्ह दे दिया, इसको अपन थ्रेड का क्या नाम है। तो क्या नाम है, इसका उत्तर आएगा पैरेलल फीमेल थ्रेड, समानांतर फीमेल थ्रेड। क्योंकि ये पैरेलल चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है और साथ साथ ये भी ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये पैरेलल फीमेल थ्रेड कहलाती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, Which type of notch it used for bending the edge of the seat? कि भाई सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो सीट इसका क्या होगा कि भाई सीधा नोच क्या होगा, 25वें का उत्तर स्ट्रेट नोच। देखो इसमें मैं आपको सिंपल से ही क्वेश्चन ही है, और ये पीछे के ही रह गए थे, अपना टाइम पूरा हो गया था तो मैंने ये 10 क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो आज अपन ये 10 क्वेश्चन पूरा करके मॉड्यूल सेकंड पूरा कर रहे हैं, तो इसमें औजारों के ही है, तो समझने से की कोई बात नहीं, अपन को उत्तर ध्यान ही रखना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या
होता है। 26वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल, कि भाई क्रॉस कट कोल्ड चीजल का क्या उद्देश्य होता है। तो क्रॉस कट कोल्ड चीजल का क्या कवरेज, काटने के लिए कटिंग की वेज, मतलब चाबियों की जो होती है वेज, उनको काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो 26वां क्वेश्चन ये पूरे हो गए हैं। 27वां देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेक ए जॉब विथ 90 डिग्री बेंड, कि भाई यहाँ पे 900 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 900 की जगह क्या है 90 डिग्री, क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है। तो वी नोच का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री पे किसका प्रयोग करेंगे, वी नोच। 90 डिग्री कैसे होता है, ऐसे ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको मोड़ने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, वी नोच का प्रयोग करेंगे। 28वां क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आदि प्रयोग की जाती है, कि भाई कौन सी होती है कटिंग करने के लिए अपन को, कि भाई अपने क्या है कि कटिंग लकड़ी की आंतरिक मतलब अंदर की कटिंग करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी वुड का प्रयोग करते हैं, कौन सी रिंसा का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, की होल सा, किसका करेंगे, की होल सा का प्रयोग अपन करेंगे। ठीक है, 28 क्वेश्चन पूरे हो गए, देखो कितना कम टाइम में अपन फटाफट फटाफट क्वेश्चन अपन ने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर शीट मेटल वर्क, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग करने वाला स्टेक का नाम क्या है। अब ये डायग्राम इन्होंने ले लिया, अब जो शीट मेटल के अंदर अपन जो यूज ले रहे हैं उसका क्या नाम है, ब्लो हॉर्न स्टेक, क्या नाम है, ब्लो हॉर्न स्टिक, क्या नाम है इसका, ब्लो हॉर्न स्टिक। ठीक है, फिर 30वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, कि भाई इन्होंने औजार का नाम दे दिया चित्र। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा हैमर है, तो कौन सा हैमर है, ये 30वीं का आपको देखो कि कौन सा हैमर है, फटाफट बताओ, क्रॉस पेन हैमर, कौन सा हो गया, क्रॉस पेन हैमर। ठीक है ना, क्रॉस पेन हैमर को इसको टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ चीजर इज यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, कि भाई चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद में धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है, वेब चीजल, किसका प्रयोग किया जाता है, जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टैप्ड कॉन शेप्ड आर्टिकल, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार को लेखों को रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए किया जाता है, तो किसका करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक का, किसका करेंगे, ब्लो हॉर्न स्टेक का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर, कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है, तो क्या होगा, शाखाओं की वृद्धि के कारण इसके अंदर गांठ का दोष उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर हो गया सी। तो आज अपने क्वेश्चन बहुत ही कम हुए हैं, 14-15 मिनट का ही टाइम हुआ है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन कम थे और मॉड्यूल सेकंड पूरा कराना था, मॉड्यूल थर्ड अपन
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन करो। सभी वीडियो को आराम से देखो, तसल्ली से देखो, और कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके 10 बार पूछ सकते हो कि मैडम इसका उत्तर नहीं समझ में आया, इसका उत्तर कैसे होएगा, तो हम आपका इसका जवाब बहुत ही जल्दी देंगे आपको। और पूरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रेंड्स को भी बोलो कि यार एक आईटीआई स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल है, मज़ा आ गया यार उसमें, तो क्या सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करो और क्या क्या सारी सब सब्जेक्ट की वीडियो जो सीधे मिल जाती है। जैसे कहीं ऐड नहीं आता कहीं सेल लगी है, सेल लगी, एक ही छत के नीचे आपको जींस भी मिलेगा, टी शर्ट भी मिलेगा, साड़ी भी मिलेगा और टी शर्ट भी मिलेगा, कपड़े सारी तरह की चीज़ें आ जाती है। तो क्या वो ऐड में रहता है, एक ही छत के नीचे आप देखो तो अपने भी एक ही छत नहीं है। एक ही सब्सक्राइब करने से आपको सभी चीज़ें इसमें सभी माल मसाला मिल जाएगा और एग्जाम में आपको इतनी अच्छी तैयारी कराई जाएगी कि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।